के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने काशी पहुंचे मुख्य सचिव व डीजीपी। रोहतास की प्रिया ने आयुष्मान योजना के दम पर दिया मौत को भी मार। हनुमान घाट पर महागणपति हवन सहित अधिरुद्रम एवं सहस्त्र चंडी यज्ञ के पूर्व निकाली गई शोभा यात्रा। और कैंट रेलवे स्टेशन पर चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग कार्य से कई ट्रेनों का परिचालन में बदलाव, यात्रियों की बड़ी फजीहत। और अब खबरें विस्तार से। मुख्य सचिव व डीजीपी बुधवार को प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन की तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी पहुंचे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 23 सितंबर को काशी दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संसदीय क्षेत्र में करीब 1600 करोड़ की सौगात देने वाले नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसके लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करेंगे। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से रुद्राक्ष सेंटर तक मिनी रोड शो भी देखने को मिलेगा। वहीं गंजारी में स्टेडियम के उद्घाटन के लिए भी पीएम नरेंद्र मोदी को पहुंचना है। यहां जनसभा स्थल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएगा। यहां अटल आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। जिला प्रशासन पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ऐसे में चीफ सेक्रेटरी व डीजीपी भी तैयारी परखने वाराणसी पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों संग रुद्राक्ष का भ्रमण किया। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वाराणसी का दौरा किया था। सर्किट हाउस में अधिकारियों संग मीटिंग कर पीएम के आगमन की तैयारियों की समीक्षा की थी। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए थे। कैंट स्टेशन पर चल रहे रिमॉडलिंग कार्य के चलते कई ट्रेनों का परिचालन अन्य स्टेशनों से होगा। कैंट रेलवे स्टेशन पर चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग कार्य से कई ट्रेनों का परिचालन बुधवार से अन्य स्टेशनों से होगा। कैंट रेलवे स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग का तीसरा चरण बुधवार से शुरू हो रहा है। ऐसे में चार जोड़ी ट्रेनों के परिचालक का स्टेशन बदल दिया गया है। इसमें बनारस से मुंबई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन महानगरी को बुधवार 20 सितंबर से बनारस जंक्शन मरवाड़ी स्टेशन से चलाया जाएगा। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस भी इसी स्टेशन से चलाई जाएगी। यह व्यवस्था 15 अक्टूबर तक लागू रहेगी। वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर मऊ के साथ ही साथ बलिया तक के लोगों को वर्षों से माया नगरी मुंबई पहुंचने वाली ट्रेन महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन बुधवार से अपने तय समय पर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन की जगह बनारस जंक्शन मरवाड़ी स्टेशन से जाएगी। यह व्यवस्था कैंट स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग के कार्य को देखते हुए की गई है। 15 अक्टूबर तक ट्रेन इसी स्टेशन से अपने निर्धारित समय 11:20 पर सुबह को मुंबई के लिए रवाना होगी और वापसी में इसी स्टेशन पर टर्मिनेट होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस भी नहीं आएगी कैंट रेलवे स्टेशन। भारत की ही स्पीड ट्रेन वंदे भारत भी वाराणसी से नई दिल्ली के बीच अब बनारस जंक्शन से चलाई जाएगी। नई दिल्ली से दोपहर बाद वाराणसी पहुंचने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस बनारस जंक्शन तक ही चलेगी और यहां से नई दिल्ली अपने निर्धारित समय पर वापस चली जाएगी। यह व्यवस्था 20 सितंबर बुधवार से 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी। वाराणसी जंक्शन के निदेशक गौरव दीक्षित ने बताया कि यार्ड रिमॉडलिंग का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। ऐसे में 16 जोड़ी ट्रेनें रद्द और 20 जोड़ी के परिचालन में बदलाव किया गया है। इसी क्रम में वाराणसी लखनऊ इंटरसिटी और वाराणसी बहराइच इंटरसिटी अब बुधवार से लौता स्टेशन से चलाई जाएगी और यही टर्मिनेट भी होगी। यह व्यवस्था 15 अक्टूबर तक लागू रहेगी। अभी तक वाराणसी बहराइच इंटरसिटी वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन से चलाई जा रही थी। इसके अलावा और कोई प्रमुख ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, दूसरे स्टेशन से उनका परिचालन चल रहा है। स्टेशन डायरेक्टर गौरव दीक्षित ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे का 139 नंबर चल रहा है, जिस पर यात्री यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन की जानकारी ले लें एवं स्टेशन पर भी डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है। साथ ही पूछताछ काउंटर भी चालू है और रेलवे के वेबसाइट पर भी सभी ट्रेनों की पूरी जानकारी डिस्प्ले की जा रही है। और उन्होंने बताया कि लोहता एवं बनारस स्टेशन आने जाने के लिए राज्य परिवहन निगम की बेसिन की सुविधा है, उसे लोग उन स्टेशनों पर पहुंच सकते हैं। वाराणसी जंक्शन पर जो यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है, उसके तृतीय फेज का कार्य आज से शुरू हो गया है। तो इसमें जो हमारी प्रमुख गाड़ियां जो हमारे स्टेशन से चलती थी, उनमें से चार गाड़ियों को दूसरे स्टेशन से चलाया जाएगा आज से, जिसमें कि वंदे भारत एक्सप्रेस मडवाड़ी स्टेशन जो जिसका नाम बनारस है वो वहाँ से चलेगी। महानगरी एक्सप्रेस मुंबई जो जाती है वो भी आज से मडवाड़ी स्टेशन से चल रही है। इसके अलावा लखनऊ इंटरसिटी 42:03 और 4
ये भी लोहता स्टेशन से आज से चलेगी, और 42-13-14 बहराइच इंटरसिटी जो है ये भी आज से लोहता स्टेशन से चलेगी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियाँ डाइवर्ट की गई हैं, जैसे कि 3006-5 पंजाब मेल, 3009-10 दून एक्सप्रेस, 2791-92 सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस, विभूति एक्सप्रेस, कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो हमारे स्टेशन से जाती थी, उनको दूसरे रूट से डाइवर्ट किया गया है। पूरी लिस्ट जो है हमारे रेलवे की वेबसाइट पर अवेलेबल है, NTS में आप उनका स्टेटस चेक कर सकते हैं। और हमारे स्टेशन पर भी लगातार उन ट्रेनों के विषय में अनाउंसमेंट किया जा रहा है, और विभिन्न डिस्प्ले से भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है। देखिए, कंट्रोल नंबर जो हमारा यूनिफाइड इंक्वायरी सिस्टम है 139 से कोई भी किसी भी ट्रेन की जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा हमारे स्टेशन पर इंक्वायरी पर आकर भी जानकारी ली जा सकती है। हमारी वेबसाइट NTS की वेबसाइट है, इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, वहाँ पर भी सारी जानकारी अवेलेबल है। इसके अलावा जो हमारे स्टेशन पर LED स्क्रीन्स लगी हुई हैं, उनसे भी लगातार ट्रेनों के बारे में डिस्प्ले किया जा रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और इसके अलावा यदि किसी को ज़्यादा इश्यू है तो वो 139 से संपर्क करके अपना ट्रेन का स्टेटस जान सकता है। रोहतास की रहने वाली प्रिया ने आयुष्मान योजना के दम पर मौत को मात दे दिया। रोहतास की चाय विक्रेता की 11 वर्षीय बेटी को बचपन से स्पाइन में कमजोरी की समस्या थी। यह तब और बढ़ गई जब वह स्कूल में खेलते समय गमले में गिर गई और उसके गर्दन की हड्डी टूट गई, जिसका गांव में इलाज हुआ पर वह ठीक नहीं हो पाया। फिर उसे वाराणसी के ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में प्रिया का ऑपरेशन किया गया। अब वह धीरे धीरे ठीक हो रही है। कल तक कुछ भी काम नहीं कर पाने वाली प्रिया अब अपना हाथ पैर चला रही है और उसे एक नया जीवन दान मिला है। आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाली 5 लाख की पूरी राशि उसके इलाज में खर्च हो चुकी है, फिर भी BHU के डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर कविता मीना से बात करने पर उन्होंने बताया कि प्रिया जब 7.5 साल की थी तब हमारे पास आई थी। उसकी रीढ़ की पहली और दूसरी हड्डी में चोट आई थी और यहाँ उसका ऑपरेशन हुआ, तब से ये हमारे पास है और ये ICU में लगातार 8 महीने से है और धीरे धीरे वेंटिलेटर से इसे हमने बाहर निकाला है। और आज स्थिति ये है कि प्रिया अपने हाथ से खाती है, मुस्कुराती है, खुश रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है और हमेशा बाहर की दुनिया देखना चाहती है। प्रिया का पूरा इलाज आयुष्मान से हुआ था और ये आयुष्मान जैसे प्रधानमंत्री जी की योजना से ही संभव हुआ है कि इतना लंबा इलाज हम लोग कर सके। परंतु प्रिया के 5 लाख आयुष्मान के खत्म हो गए, परंतु सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाओं जैसे दवा है और भी अन्य चीजें हैं जिससे हम लोग आज प्रिया का इलाज कर पा रहे हैं। जब आयुष्मान का पैकेज खत्म हो गया था फिर भी ICU में इनको वही इलाज मिला जो मिलना चाहिए था। अभी फिर इसका आयुष्मान का पैकेज लग गया है। प्रधानमंत्री की योजना से कई लोगों का लंबा इलाज संभव हो चुका है। ना खुद की सांस को सपोर्ट कर सकते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है वो कर सकते हैं, लेकिन प्रिया के केस में उस स्टेज से प्रिया को हम इस स्टेज में जो हमारी पूरी ICU की टीम है, जो ट्रॉमा सेंटर है, वो इस स्टेज में। सपा का प्रतिनिधि मंडल पिछले दिनों मारपीट की घटना में मृत सौरभ के घर पहुँचा और परिजनों को हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। पिछले दिनों मारपीट की घटना में मृत सौरभ यादव की घटना को लेकर राजनीतिकरण तेज हो गई। पालेकरणी सेना के लोग खुलकर इस मामले में सामने आए तो अब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मृत सौरभ के घर पहुंचा। बुधवार को समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष राज्यपाल कश्यप के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं मृतक सौरभ यादव के घर पहुंचकर परिवार वालों को न्याय मिलने की बात कही व हत्यारोपियों को सरकार के स्वजातीय होने की वजह से इस सरकार के संरक्षण की बात कही। सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ व सपा नेत्री पूजा यादव विशेष रूप से राज्य सरकार व कानून व्यवस्था पर हमला करते दिखे। और हम लोग आए हैं पीड़ित परिवार सौरभ यादव जी के माता जी से भी मिले, हृदय बड़ा दुखद हुआ। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरा आश्वासन दिया है परिवार को, पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा कि समाजवादी पार्टी इनको न्याय दिलाने में इनके साथ खड़ी रहेगी। पिछले 2 महीने से सीवर की समस्या से चौहट्टालाल खां क्षेत्र के लोग काफी परेशान हैं। पिछले 2 महीने से सीवर समस्या से चौहट्टालाल खां की जनता परेशान है। वार्ड 80 व 55 का बॉर्डर होने के कारण यह क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। चौहट्टालाल खां की जनता पिछले 2 महीने से सीवर की समस्या से जूझ रही है। इस संदर्भ में क्षेत्रीय जनता ने बताया कि वार्ड नंबर 80 के पार्षद साजिया खान के क्षेत्र की जनता ने समस्या से अवगत कराया तो उनका कहना होता है कि वह मेरे वार्ड का हिस्सा नहीं है, वह वार्ड नंबर 55 का हिस्सा है। आप वार्ड नंबर 55 के पार्षद से बात करें। जब वार्ड नंबर 55 के पार्षद अभिजीत भारद्वाज लकी से समस्या की बात की जाती है तो उनका कहना यह होता है कि वह हिस्सा वार्ड नंबर 80 चौहट्टालाल खां में आता है जो साजिया खान के वार्ड का हिस्सा है।
दो पार्षद की वार्ड बॉर्डर होने के कारण पिछले दो महीने से सीवर की समस्या से क्षेत्र की जनता जूझ रही है। जब पार्षदों से समस्या का निवारण नहीं हुआ तो क्षेत्रीय जनता सीवर की समस्या को लेकर नगर आयुक्त के पास पहुंची और उनको भी समस्या से अवगत कराया, लेकिन फिर भी समस्या से निजात नहीं मिला। ये सब लोग आ रहे हैं, खाली देख करके जा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि अभी होगा, कल होगा, परसों होगा, काम लगा है, लेकिन कुछ नहीं अभी तक किया है। बात करें नगर के जो मेयर है वो लगातार जनसुनवाई लगा रहे हैं, जन चौपाल लगा रहे हैं। हम लोग कल गए थे, अभी तक कोई बात वहाँ पर नहीं हुई, अब देखा जाए क्या होता है। नगर आयुक्त के पास कल हम लोग गए थे, तीन लोग नगर आयुक्त ने फाइल आगे दिया, कहा कि हम इसकी जांच करवाते हैं। सर जितना पानी रोड पे है उतना अंदर लेटरिन से ओवरफ्लो करके पूरा आंगन भरा हुआ है। कितने दिनों से समस्या? दो महीने से। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत की है? बहुत शिकायत किया, यहाँ धरना प्रदर्शन सब हुआ, सभासद लोग भी आए, अधिकारी आए, लेकिन अधिकारी आते हैं देख के चले जाते हैं। यहाँ के सभासद कौन? मुमताज जी हैं। क्या वो उनके संज्ञान में नहीं है? सब संज्ञान में, वो भी आते हैं, बैठते हैं यहाँ। रोज शिकायत करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं वो लगा हुआ है, बन रहा है, वहाँ दो महीने से बन ही रहा है। परेशानी यही है कि पानी जाता महका थक गए, अब कहना वो के बाद पानी भर के रखा पीला हो जाता, पिए में महका था। कितने दिनों से परेशानी है? अरे महीना डेढ़ महीना हो जाता। अरे कितना काल जा। अच्छा यही है कि आज दो महीने से हम लोग परेशान हैं, स्कूली बच्चे आ रहे जा रहे आए दिन गिर रहे हैं, इन लोग दो महीने से खन के खाली कोई काम भी यहाँ नहीं हो रहा है, अधिकारी आ रहे देख के जांच करके चले जा रहे हैं, और कितनी दिक्कत हो रही है, घर में औरतों नहीं आ जा पा रही हैं। हम लोग को घर छोड़िए, आप लोग के यात्री लोग आते हैं बेचारे, वो गिर जाते हैं इसके अंदर, कितनी परेशानी हो रही है। आज दो महीने से हम लोग झेल रहे हैं, बाहरी यात्री आते हैं, पूरे वर्ल्ड के काशी नगरी आ रहे हैं, काशी की हाल देखिए ये है। दशाश्वमेध खालिसपुर क्षेत्र के लोगों को अब बिजली के जर्जर तारों से मुक्ति मिल जाएगी। दशाश्वमेध खालिसपुर क्षेत्र के लोगों को बिजली के जर्जर तारों से मुक्ति मिल गई है। इस क्षेत्र में तंग गली के चलते अंडरग्राउंड तार बिछाने का कार्य नहीं हो पाया था, ऐसे में बिजली की कटिया मारकर चोरी की घटना तो होती ही थी, बारिश के मौसम में आए दिन बिजली कटौती की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता था। रविवार को इस क्षेत्र में बिजली विभाग ने अभियान चलाकर जर्जर तारों को हटाकर ABC तारों को लगाया। इस कार्य में राजनाथ यादव, उपखंड अधिकारी शरद चंद्र श्रीवास्तव, अवर अभियंता तपन चटर्जी, मनोज चटर्जी, राजेश साहनी, तनय गुप्ता, आकाश अनीस, अंकिता सिंह, सुनील कुमार यादव, राहुल सिंह आदि शामिल थे। जो जर्जर तार हो गई थी उस तार को चेंज करके मोंटी कार्लो कंपनी और मेरे अवर अभियंता शरद चंद्र श्रीवास्तव एवं उपखंड अधिकारी राजनाथ यादव जी के नेतृत्व में ये सारे जर्जर तार बदल के नया ABC कॉन्ट्रैक्टर लगाया जा रहा है, जिसको मोंटी कार्लो कंपनी द्वारा इसको पूर्ण खालिसपुरा को फिर से जर्जर तारों को बदल के इस पर नया ABC कॉन्ट्रैक्टर चढ़ाने का काम चल रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता को 24 घंटा बिजली मिले, उनको किसी तरह से ये 3 फुट कंडेस्टेड एरिया में अगर कोई तार टूट के नीचे गिरता है तो वो भारी जनमानस का नुकसान भी हो सकता है। इसको देखते हुए मेरे बिजली विभाग कंपनी एवं मोंटी कार्लो कंपनी से ये तार को सारे चेंज करवाएंगे पूरे खालिसपुरा क्षेत्र का। AT&C एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस के तहत ये मतलब उसका मेन मोटो है कि एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस जो है उसको रोकने के लिए इस केबल लग जाने से सर पूरे बनारस शहर को हम लोग अच्छी से सप्लाई दे सकते हैं, चोरी को हम लोग अच्छे से रोक सकते हैं, और जो लाइट की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो घरों में लाइट वोल्टेज कम मिलता है, वो अच्छा वोल्टेज हम लोग दे सकते हैं। मेरा इसका मोटो ये है कि यानी चोरी को रोका जा सके, चोरी को रोका जा सके और हम बेहतर से बेहतर कंज्यूमर को हम लोग सप्लाई दे सकें। जो लाइन लॉस होता है उसको कम करना है, जिससे कि कंज्यूमर्स को जो उनकी एक समस्या आती है कि उनके घरों में लो वोल्टेज जाता है, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके अप्लायंसेस सही तरीके से नहीं चल पाते हैं, तो इससे केबल चेंज होने से क्या होगा कि उनको प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा, जितना वोल्टेज मिलना चाहिए उनको मिलेगा। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ 24 घंटा में वो लड़का अगर हमारा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मम
मन के भवरा। JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा है। रितेश पांडे काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। प्रजातंत्र प्रोड्यूसर सुभाष यादव डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जीवनदीप महाविद्यालय में 2023 उमंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जीवनदीप महाविद्यालय बड़ा लालपुर में 20 सितंबर बुधवार को विज्ञान विभाग एवं वाणिज्य विभाग के 9 आगंतुक छात्र छात्राओं का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत मां सरस्वती वंदना व दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जीवनदीप शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि विज्ञान की जो हमने चांद तक का सफर तय किया, आज के इस दौर में जब पूरा विश्व भारत की तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहा है, ऐसे में हमें अपने शैक्षिक ढांचे में कुछ अमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। अब पारंपरिक शिक्षा के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण समय की मांग है और इस सरकार में जो कहा जाता है वह लिया जाता है। इस मौके पर पूर्व संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य वाराणसी मंडल डॉक्टर अंशु सिंह ने कहा कि शिक्षा प्राप्ति का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक दायित्व का बोध होना चाहिए। आत्म केंद्रित होकर हम समाज के कल्याण की कल्पना नहीं कर सकते। महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि हमें समाज केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन व भारतीय ज्ञान परंपरा को आत्मसात करने की प्रेरणा भी दी। कार्यक्रम के स्वागत भाषण में वाणिज्य विभाग व उप प्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने कहा कि शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का होना अति आवश्यक है। विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नम्रता चौबे ने कहा कि उमंग 2023 इस बात का द्योतक है कि महामारी के संकट के दौर से उभरते हुए नई ऊर्जा के साथ वर्तमान का स्वागत करना ऐसे में जरूरी है। एक नए उमंग और नई ऊर्जा के साथ विद्यार्थी न सिर्फ उज्जवल भविष्य को बनाएं बल्कि बीते कल से सीख लेते हुए भविष्य में नए ज्ञान की सीमा को भी बढ़ाएं। संबद्धता निदेशक शैलेश त्रिवेदी ने कहा कि आज के डिजिटल युग में तकनीकी एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपकरण है जो न केवल सीखने की प्रक्रिया को आसान बना रही है बल्कि आज शिक्षा की प्रभावी माध्यम भी साबित हो रही है। मंच का संचालन वाणिज्य विभाग के सुलेखा मिश्रा एवं धन्यवाद ज्ञापन उप प्राचार्य डॉक्टर नंदा त्रिवेदी ने किया। इस अवसर पर सभी विभागों के विभागाध्यक्ष शिक्षकगण और कर्मचारीगण उपस्थित थे। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में करियर काउंसलिंग का आयोजन हुआ। बुधवार को डोमरी रामनगर वाराणसी स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में विश्वविद्यालय सेवा योजना सूचना एवं मंत्रणा केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी इकाई के द्वारा करियर काउंसलिंग के अंतर्गत छात्राओं से व्यावसायिक वार्ता का आयोजन किया गया। सेवा योजना सूचना एवं मंत्रणा केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी इकाई की तरफ से डॉक्टर संतोष सिंह एवं डॉक्टर सुरेश सिंह जगतपुर PG कॉलेज वाराणसी के द्वारा महाविद्यालय की छात्राओं को बताया गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे की जाए, किस विषय का चयन किया जाए जिसके द्वारा सरकारी नौकरी मिलने में सुविधा हो। उन्होंने बताया कि कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास किया जाए। नौकरी प्राप्त करने में व्यक्तित्व विकास का बहुत बड़ा योगदान होता है। उन्होंने छात्राओं को बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बहुत हैं, लगन एवं मेहनत के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। अनेक प्रकार की डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद छात्राएं नौकरी प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि NCS पोर्टल एवं सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है जिसमें उनका पूरा विवरण रहेगा तथा ईमेल भी रहेगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात यदि कहीं भी कोई नौकरी होगी तो NCS और सेवा योजना पोर्टल के द्वारा छात्राओं को सूचित किया जाएगा। कार्यक्रम में राजेश कुमार पाल करियर काउंसलिंग प्रभारी UEV BHU वाराणसी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, डॉक्टर रजनी श्रीवास और डॉक्टर रजिता सिंह, डॉक्टर अभिजीत, सुश्री सुरभि पांडे, प्रतिभा गुप्ता, शैल श्रद्धा पांडे आदि शिक्षक शिक्षिकाएं तथा छात्राएं मौजूद रहे। तो आपका जो है हमारा मुख्य उद्देश्य है एक CA पास करना चाह रही है, ACA पास करना चाह रही है और एक बच्ची जो UPSC पढ़ रही है, इसके अलावा आप सभी लोग का उद्देश्य वही है कि एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना जिसे हमें पैसा मिले,
इसी काम अपना जो जीव को पारित कर सके, ये सबका उद्देश्य है। हम सभी लोगों का उद्देश्य ये है कि हम एक अच्छी नौकरी पाएं और नौकरी से जो हमारा प्राप्त करके हम जीव को पारित करें। ये सरकार जो है ये नीति लाई है। काशी स्टेशन पर आदमपुर थाना एवं युवा फाउंडेशन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा का संकल्प दिलाया गया। काशी स्टेशन पर आदमपुर थाना एवं युवा फाउंडेशन के तत्वाधान में स्वच्छता से पहले महिलाओं की सुरक्षा का संकल्प लोगों को दिलाया गया, जिसमें वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्राधिकारी आदमपुर अमित कुमार पांडे ने लोगों को शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में आदमपुर थाना अध्यक्ष अजीत कुमार वर्मा सर और उनकी टीम भी शामिल रही। स्वच्छता से पहले सुरक्षा का संकल्प इसलिए क्योंकि हम अपने घर आंगन और गलियों को साफ तो कर रहे हैं, लेकिन गंदी मानसिकता को बिल्कुल नहीं। एक पिता एक भाई किसी भी परिस्थिति में रह लेगा, लेकिन अपने बेटी बहन को असुरक्षित नहीं देख सकता। इसलिए संकल्प दिलाया गया कि हम स्वच्छता से पहले महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। हाल ही में काशी स्टेशन पर 5 वर्षीय बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म कर उसे मार दिया गया था, वह मानसिकता दर्शाती है कि समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वह बहुत ही दयनीय है, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे ज्यादातर शिकार हो रहे हैं। जिस प्रकार काशी स्टेशन की घटना को आदमपुर थाना ने सूझबूझ और समझदारी के साथ इस केस का पर्दाफाश किया था, वह काबिले तारीफ है। 14 अगस्त को जो घटना घटी थी, बनवासी परिवार के बच्चों के साथ, उस घटना की वजह से काशी स्टेशन पर बहुत से लोग दहशत में थे, लेकिन प्रशासन के सहयोग से जेआरपी के सहयोग से धीरे धीरे वहाँ का माहौल ठीक हो रहा है। लोगों में जो भय बना हुआ था उसमें जागरूकता की वजह से कमी आई है। युवा फाउंडेशन की टीम जागोरे मुहिम के जरिए लगातार अलग अलग तरीकों से अलग अलग माध्यमों से लोगों को महिलाओं के प्रति हो रहे अभद्र व्यवहार के प्रति लोग को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, जिसमें सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। स्टेशन पे घटना घटी थी मासूम बच्ची के साथ 14 अगस्त को, उसी को लेकर के यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, क्योंकि उसके बाद भी एक घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी और अभी भी यहाँ पे लोग शराब पीकर के उसी तरीके से रहते हैं शाम के वक्त, और हमारी संस्था लगातार महिलाओं को लेकर अवेयरनेस करती रहती है। तो आज आदमपुर थाना के साथ जो है यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी लोग थे उनको जागरूक किया, उनसे बात की, साथ में जो पुलिस प्रशासन को लेकर के लोगों का डर बना हुआ है, वो अपनी बातें नहीं रख पाते, सहयोग नहीं कर पाते, उन सारे विषय पर एसीपी अमित पांडे सर ने लोगों को जागरूक किया। हनुमान घाट पर महागणपति हवन सहित अति रुद्रम एवं सहस्त्र चंडी यज्ञ के पूर्व शोभा यात्रा निकाली गई। विश्व शांति महायज्ञ लक्ष्म मोदक एवं महागणपति वाहन सहित अति रुद्रम एवं सहस्त्र चंडी यज्ञ के अवसर पर कांची मठ से चेत सिंह किला तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बटुकों एवं श्रद्धालु जन ने भाग लिया। नन्हे मुन्ने बटुक हाथ में ध्वज लिए चल रहे थे और जय जय शंकर हर हर शंकर का उद्घोष करते हुए चल रहे थे। इस अवसर पर कांची मठ के प्रबंधक बीएस सुब्रमण्यम मणि एवं अन्य प्रबुद्ध जन सम्मिलित हुए। चातुर्मास व्रत अनुष्ठान के समापन के अवसर पर विश्व शांति महायज्ञ संकल्पित है, जो कल प्रातः है 7 बजे से चेत सिंह दुर्ग में प्रारंभ होगा, जिसकी पूर्णाहुति 28 तारीख को दिन में 1:30 बजे होगी। इस विश्व शांति यज्ञ का यज्ञ में लक्ष्य मोदक यज्ञ, जो भगवान श्री गणेश जी को संकल्पित है, उसके बाद श्री चंडी सहस्र चंडी यज्ञ होगा और अतिरुद्र महायज्ञ, यह भी विश्व कल्याणार्थ संकल्पित है। हरि बोल सेवा समिति एवं श्री अग्रसेन सेवा संस्था द्वारा श्री कृष्ण लीला महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। काशी की सामाजिक एवं धार्मिक संस्था हरि बोल सेवा समिति एवं श्री अग्रसेन सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय रासलीला के 4थे दिन बुधवार को भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के साथ महारास का मंचन किया गया। महारास प्रसंग में वृंदावन में गोपियों के मन मंदिर में बसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाया गया। प्रसंग में शरद पूर्णिमा की वह मनोहर रात्रि के समय जब चंद्रमा अपने पूर्णता में निकलते थे और वनों में सुंदर पुष्पों की सुगंध लहरा रही थी, गोपियां अपने काम में व्यस्त थीं कि अचानक से कान्हा ने यमुना किनारे मधुर ध्वनि में बंसी बजानी शुरू कर दी। कान्हा की बंसी की मधुर ध्वनि गोपियों के कानों तक पहुंचती तो सभी की धड़कनें मानो थम सी गई। उस समय सभी बेसुध हो गए तथा अपने सभी काम छोड़कर उस धुन की दिशा में भागने लगती। राधा जी श्री कृष्ण के पास जाती हैं और सभी गोपियां उनके चारों ओर खड़ी होकर अपने कान्हा को निहारने लगती हैं।
जब कान्हा ने अपने चारों ओर देखा तो उन्हें सभी गोपियों की आंखों में उनके प्रति प्रेम दिखाई दिया। वे सभी उन्हें पाना चाहती थी, वह उनके साथ नृत्य करना चाहती थी। कान्हा ने सभी गोपियों की इच्छा पूर्ण करते हुए माया के प्रभाव से गोपियों की संख्या के जितने कान्हा का निर्माण किया, सभी गोपियां उन्हें कान्हा को पाकर भाव विभोर हो उठी। उसके बाद महारास लीला का आरंभ हुआ, जिसमें सभी गोपियां कान्हा संग मुरली की धुन पर नृत्य करती हैं तथा उनसे प्रेम में डूब जाती हैं। रासलीला का निर्देशन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एवं राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत ब्रज विभूति रसाचार्य स्वामी श्री फतेह कृष्ण शर्मा रसराज जी द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर रासलीला के संयोजन से जुड़े अमर कुमार रस्तोगी, श्री मोहन जी अग्रवाल, संतोष कुमार अग्रवाल आड़त वाले, कृष्ण शरण अग्रवाल, अनिल कुमार जैन संतोष जी, सचिन अग्रवाल आड़त वाले, समीर अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, मोहन चंद्र, आलोक शाह, राजकिशोर अग्रवाल, अनिल बंसल, गिरधर अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, लॉयंस, पवन अग्रवाल, चैतन्य श्री आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। काशी अग्रवाल समाज द्वारा अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में तीजोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्री काशी अग्रवाल समाज के अंतर्गत अग्रसेन महिला समिति के द्वारा अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में तीजोत्सव का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रंग बिरंगी साड़ी में रिश्तों की मिठास लिए सुराग के श्रृंगार में श्रृंगारित सभी महिलाओं का स्वागत संयोजिका मालिनी चौधरी और सहायक मंत्री गरिमा टकसाली ने किया। एकता और मोनिका के द्वारा तीज पर आधारित प्रश्नों के उत्तर में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिला समिति के द्वारा सभी महिलाओं को शोषण भरी पोटली भी दी गई। हर्षिता अग्रवाल के द्वारा गणेश वंदना से शुरुआत की गई और ममता शर्मा के द्वारा कजरी गायन का सभी ने आनंद लिया। सभापति संतोष अग्रवाल, अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, समाज मंत्री राकेश जैन आदि उपस्थित थे। तीज सबके लिए मंगलमय हो, सबके सुहाग जो है वो बने रहे, अविचल रहे, जब लगी गंध जमुन जलधारा तब तक रहे अहिवाद तुम्हारा, यही हमारा मैसेज है उनके लिए। और दूसरा कि हमारे यहाँ प्रश्नोत्तरी भी की गई, जिसमें हमारी एकता अग्रवाल और मेनका अग्रवाल ने तरह तरह के तीज से संबंधित क्वेश्चन किए और उन लोगों ने उसके आंसर देकर उससे गिफ्ट प्राप्त किए। उसके अलावा सुहाग पिटारी सभी महिलाओं को दी जा रही। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। सच के साथ।